हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीओपी मिलने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका ये सवाल था कि सर, सीओपी नंबर मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा या सीओपी नंबर लेने के लिए हमें किस प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, और सीओपी नंबर अगर मिल जाता है तो उसके आगे कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या ऐसे ही रहेगा। तो ये सारी बातें हम लोग आज आज के इस वीडियो में करेंगे कि आफ्टर सीओपी आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपको कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर ये फॉर्म भरना पड़ेगा तो इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, और ये कहाँ सबमिट होगा, कहाँ जमा होगा। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो कि ऑल इंडिया बार से संबंधित होता है, यूपी बार से संबंधित होता है, और एडवोकेट से संबंधित जो भी सारी न्यूज़ होती है, जो भी सारी स्कीम्स होती है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं सीओपी मिलने के बाद आगे हमको क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सीओपी मिलेगी कैसे। तो बहुत बार काउंसिल ऐसे हैं, यानी जो स्टेट बार काउंसिल हैं, वहाँ पे होता यह है कि आप सिंपली अपना एडमिट कार्ड ले जाएंगे और जो आपने फॉर्म फिलअप किया था जो AIB के लिए, उस फॉर्म का प्रिंट आउट ले जाएंगे और रिजल्ट का नेट कॉपी ले जाएंगे, तो आपको जो है सीओपी नंबर आपके स्टेट बार काउंसिल के द्वारा दे दिया जाता है। तो ये साधारण प्रोसेस होती है। और बहुत ऐसे स्टेट बार काउंसिल हैं जहाँ पे सीओपी देते वक्त ही आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसे डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। तो आज के इस वीडियो हम लोग वही बात करेंगे कि डिक्लेरेशन फॉर्म क्या सभी को भरना अनिवार्य होता है, और अगर भरना अनिवार्य होता है तो इस फॉर्म को किस तरह से भरा जाएगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे होता है। तो ये देख लीजिए, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, सभी अधिवक्ताओं को भरना होगा जिनको सीओपी मिल गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड द एडवोक बाई द एडवोकेट्स इनरोल्ड आफ्टर जुलाई 2010, यानी जुलाई 2010 के बाद से इनरोल्ड हुए सभी एडवोकेट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अब इसको कैसे भरा जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है पासपोर्ट साइज की, और ये जो फ़ोटो होगा वो कोट और टाई में होगा, जैसा कि फ़ोटो आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के समय लगाया था, सेम वैसे ही फ़ोटो यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे सीओपी नंबर ये आपको नहीं भरना है, ये बार के ऑफिस द्वारा, बार काउंसिल के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, सारे डिटेल कैपिटल लेटर में रहेंगे, फादर नेम लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, इनरोलमेंट नंबर यूपी का लिखना है, यानी जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला था यूपी बार काउंसिल में जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है, और जिस डेट में इनरोलमेंट हुआ था उस डेट को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से आपको जो है डेट ऑफ बर्थ अपना लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस यानी जिस स्थान पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है, व्हेन डिड योर पास योर AIB, आप AIB जब पास हुए हैं उसको लिखना है, AIB नंबर लिखना है, और उसका कॉपी जो COP है उसका कॉपी जो है इसके साथ अटैच करना है। उसके बाद से नेम ऑफ बार एसोसिएशन बाई प्लेस वेयर यू वांट टू कास्ट योर वोट इन द इलेक्शन ऑफ बार एसोसिएशन, नेम ऑफ बार एसोसिएशन यानी उस बार एसोसिएशन का स्थान, नाम और स्थान जहां पर जो है आप अपना वोट देना चाहते हैं बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन होता है उसमें, तो ये फिल करना है कि कहां पे आप वोट देना चाहते हैं, किस बार एसोसिएशन में आप वोट देना चाहते हैं। नेक्स्ट है, प्लेस वेयर यू इंटेंड टू कास्ट योर वोट इन द इलेक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल,
अब उस प्लेस का यहाँ पे आपको नाम लिखना है जिसमें आपको स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो होता है यूपी बार काउंसिल का, उसमें आप किस स्थान पे अपना वोट जो है देना चाहते हैं, इस पे इसमें जो है उस स्थान का नाम लिखना है। वेदर आफ्टर गेटिंग इनरोल्ड यू आर इन प्रैक्टिस आर हैव ज्वाइंट सम जॉब बिजनेस एक्सेट्रा गिव डिटेल। आफ्टर गेटिंग इनरोल्ड यू आर इन प्रैक्टिस, इनरोल के बाद जो है आप जो है प्रैक्टिस में हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसके बारे में अगर कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे वो डिटेल आपको भरनी है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 11 नंबर लिखा है, इफ़ यू हैव नॉट पास द AIB विद इन 2 ईयर्स ऑफ इनरोलमेंट, यानी 2 साल के अंदर, अगर इनरोलमेंट के 2 साल के अंदर अगर आपने AIB एग्जाम पास नहीं किया है, वेदर यू हैव लेफ्ट प्रैक्टिस एंड इन्फॉर्म यू बार एसोसिएशन एंड स्टेट बार काउंसिल गिव डिटेल। लिखा है यहाँ पे कि अगर आपने इनरोलमेंट के यानी स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट के 2 साल के अंदर AIB एग्जाम पास नहीं किया है और आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया है, और उस आपने प्रैक्टिस छोड़ने की सूचना जो है अपने बार एसोसिएशन को दी है या स्टेट बार काउंसिल को दी है, तो उसको उसका जो डिटेल है यहाँ पे फिलअप करना है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल का आपका पूरा डिटेल लगेगा, किस बोर्ड से किए हैं, रोल नंबर क्या था, ईयर ऑफ पासिंग कब थी, फिर से आपका ये इंटर का यहाँ पे भरना होगा, किस बोर्ड से किए हैं, रोल नंबर क्या था, किस ईयर में पास किए हैं, ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, रोल नंबर क्या था, कब पास किए थे, फिर LLB की डिग्री कब मिली थी आपको, किस यूनिवर्सिटी से पास किए थे, रोल नंबर क्या था और किस ईयर में पास किए थे, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको। अब यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑब्लिक सेक्रेटरी ऑब्लिक ऑफिस बीयरर ऑफ द एसोसिएशन आर द ऑथोराइज सिग्नेचर ऑफ BCI सील ऑफ बार एसोसिएशन। देखिए आप जिस एसोसिएशन के बार एसोसिएशन के मेंबर हैं उसके अध्यक्ष के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा या ऑफिस बीरर के द्वारा यहाँ पे साइन होगा, या जो BCI है यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो है यहाँ पे सील लगेगा, ऑथोराइज सिग्नेटरी जो सिग्नेचर होगा वो होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म फीस क्या है, यहाँ पे ₹250 का ये फीस है और इसको कैसे पेड करना है, आपको कैसे जमा करना है, इसको कैश भी जमा कर सकते हैं या थ्रू DD। DD किसके फेवर में बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, BCUP यानी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन। तो DD अगर बनवाएंगे तो आप BCUP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन के नाम से बनवाएंगे, या कैश अगर जमा कर रहे हैं तो ₹250 इस फॉर्म के साथ आप कैश जो है नत्थी करके ऑफिस में ले आकर के जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट लिखना है आपको और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको अटैच करनी है इस फॉर्म के साथ। अब तो ये फॉर्म हो गई कि किस तरह से फिल करना है, मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ पे बता दी। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, तो देख लीजिए। सबसे पहले आप 2 फोटो लगाएंगे, कोट और टाई में होनी चाहिए फ़ोटो, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होगी, हाई स्कूल से लेकर के LLB तक की पूरी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपकी लगेगी फ़ोटो कॉपी। उसके बाद से UP बार काउंसिल की प्रमाण पत्र यानी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट,
वो आई कार्ड जो आपको मिली थी उसकी फोटोकॉपी लगेगी, AIBE का पासिंग सर्टिफिकेट या नेट कॉपी जो है वो लगेगी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। और जिस जगह आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस बार एसोसिएशन के आप मेंबर हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उस बार एसोसिएशन की तरफ से आपको एक आई कार्ड मिलता है, तो आप उस आई कार्ड का फोटोकॉपी लगाएंगे। अगर बाय द वे मान लीजिए आप किसी भी बार एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं, तो इसके लिए आप एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनवाएंगे कि मैं अभी तक किसी भी बार एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूँ। एक शपथ पत्र बनवा लेंगे, एफिडेविट बनवा लेंगे, और जो भी मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको, सभी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे सेल्फ अटेस्टेड होंगे। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स लगेगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप इस फॉर्म को फिलअप करके आप जो है स्टेट बार ऑफिस में जमा कर देंगे, तो आपको जो है आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो है वो जमा हो जाएगा, आपकी CUP मिल जाएगी। और चूंकि आप जानते हैं कि आपको जो रजिस्ट्रेशन के समय जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो इसलिए जब आप इस फॉर्म को भर देंगे तो आपको एक परमानेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगी बार BCUP की यानी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की नहीं रहेगी बल्कि लाइफ टाइम के लिए रहेगी। और ये जो COP होता है, जिसे सर्टिफिकेट आप प्रैक्टिस करते हैं कहते हैं, इसका वेरिफिकेशन हर 5 साल पे होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो इनरोलमेंट करा करके कुछ और काम करने लगते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से ऐसे लोगों को पहचानने के लिए हर साल जो है, हर 5 साल पे जो है इसका वेरिफिकेशन होता है कि कौन प्रैक्टिस में है, कौन छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद से जो है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद से आपको एक नई सर्टिफिकेट मिल जाएगी, आपको COP मिल जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर कोई क्यूरी है इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।